जी दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको X6 का लाइटर वर्जन पोको X6 नियो। सुपर सेक्सी स्लीमेस्ट डिजाइन के साथ में आता है। इसकी थिकनेस ओनली 7.7 mm है। यहाँ पर दोस्तों पीछे की तरफ आपको 108 मेगापिक्सल का सैमसंग HM6 वाला सेंसर मिलता है एंड 6.67 inches का FHD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और इस डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। इवन दोस्तों ये जो मोबाइल है ये IP54 रेटिंग के साथ में भी आता है। इसमें पावर के लिए डिमेंसिटी 6080 वाला 6nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर फिट किया गया है। यहाँ पे ये 33W चार्जिंग और 5000mAh बैटरी के साथ में आता है। इस वीडियो में दोस्तों इस मोबाइल का हम PUBG BGMI गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं और साथ में एक बैटरी ड्राइविंग टेस्ट भी होने वाला है। देखते हैं डिमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर कैसा परफॉर्मेंस देता है। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गेमिंग से पहले आपको बता दें फुल ब्राइटनेस में हम गेमिंग करने वाले, हाई रिफ्रेश रेट 120Hz मिलता है, इसी में हम गेमिंग करने वाले। गेमिंग से पहले 81% बैटरी से 80 मानेंगे एंड यहाँ पे 38°C का टेम्परेचर है। फटाफट से दोस्तों यहाँ पे PUBG BGMI को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें गेम टर्बो के लेटेस्ट अपडेट का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है एंड बहुत सारे फीचर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको फ्री फायर पबजी जैसे गेमिंग के लिए वॉइस चेंजिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमने FPS मीटर इनबिल्ट यहाँ पे ऑन करके रखा है ताकि फटाफट से आपको FPS मीटर दिखाते रहे। यहाँ पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा बैलेंस HD के साथ आई और HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे स्मूथ साथ अल्ट्रा का ही हम यहाँ पे गेमिंग करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों इस मोबाइल में आपको जायरोस्कोप का सपोर्ट मिलता है, रिवर्स जायरोस्कोप का भी सपोर्ट मिलता है, इसे इनेबल करके रखे हैं। और हम यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको जायरोस्कोप FPS मीटर दिखाते रहेंगे। सबसे पहले TDM गेमिंग हम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्रा नेलो बेजल वाला डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिलता है लेकिन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले है। और शुरू में आप देख सकते हो यहाँ पे जो जायरो है ये अभी ठीक ठाक ही वर्क कर रहा है। और आगे दोस्तों हम जायरो FPS आपको हालचाल भी बताते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 39-40 FPS के आसपास यहाँ पे गेमिंग होती है और फ्रेम रेट ज़्यादा नहीं गिरते हैं। अभी शुरुआत में ही आप देख सकते हो 39 के आसपास ही हो रहा है, 40-39 FPS के आसपास यहाँ पे गेमिंग हो रही है और कोई भी दिक्कत यहाँ पे फिलहाल अभी स्टार्टिंग में नहीं मिल रही है। जायरो भी देख सकते हो आप काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। हल्का फुल्का डिले आपको देखने को मिल सकता है, अगर प्रो गेमर हो तो थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। अब जायरो को दोस्तों इतना फास्ट भी नहीं बोल सकते और इतना यहाँ पे स्लो भी नहीं बोल सकते, और इस तरह का यहाँ पे जायरो स्कोप वर्क करता है। प्राइस सेगमेंट में आपको इसी तरह के जायरो स्कोप देखने को मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों कंपनी को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है इससे बेटर अपडेट की गुंजाइश की जा सकती है। बट गेमिंग काफ़ी तगड़ी होती है इस प्राइस सेगमेंट में इस मोबाइल में। अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हो FPS मीटर भी हमने सेंटर में चला के रखा हुआ है, इसे भी आप कंटिन्यूसली वॉच कर सकते हो। 40-39 FPS के आसपास गेमिंग होती है, हार्डली 38 FPS के आसपास यहाँ पे ड्रॉप होते हैं फ्रेम ड्रॉप, इससे नीचे फ्रेम ड्रॉप नहीं अभी तक देखने को मिला है और काफ़ी अच्छे तरीके से गेमिंग हो रही है। ये जो डेमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर है ये काफ़ी अच्छे तरीके से कैपेबल है इस तरह के हाई एंड गेमिंग को खेलने के लिए। TDM गेमिंग को हम यहाँ पे 10 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली खेलने वाले हैं और यहाँ पे दोस्तों 5 मिनट के आसपास की गेमिंग हो चुकी है। अगेन से हम यहाँ पे आपको जायरो के हालचाल दिखा देते हैं। FPS मीटर भी आप देख सकते हो 40-39-38 के आसपास ही यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप होते हैं, इससे नीचे यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल नहीं होते, कोई भी लैग फ्रेम ड्रॉप का इशू अभी तक नहीं आया। पोको की सबसे अच्छी बात है कि हाई एंड रैम वेरिएंट प्रोवाइड करता है, 8GB वेरिएंट और 12GB वेरिएंट 56GB के साथ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बढ़िया गेमिंग हो जाती है और प्रोसेसर तो वैसे भी कैपेबल है ही है और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाती। इतनी सारी गेमिंग होने के बाद हल्का सा हीटअप तो फील हो रहा है बट परफॉर्मेंस यहाँ पे डिग्रेड नहीं हुआ है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाता है डिमेंसिटी 6080 वाले प्रोसेसर से। देन यहाँ पे आपको ओवरऑल जो पैकेज मिलता है इस प्राइस सेगमेंट में, अगेन से यहाँ पे आप देख सकते हो FPS मीटर 39 के आसपास ही यहाँ पे आ रहा है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है वो भी अल्ट्रा नैरो ब्लेजल के साथ में। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 10 मिनट की TDM गेमिंग होने को है और इसके बाद दोस्तों अगेन से आप यहाँ पे देख सकते हो जो परफॉर्मेंस है काफ़ी टॉप नॉच मिलता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है अभी तक की 10 मिनट की गेमिंग के लिए। एंड यहाँ पे अगर 10 मिनट के बाद बैटरी के हालचाल अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट किया था 80 पे और यहाँ पे बैटरी हो जाती है 77%, माने ये दोस्तों यहाँ पे 3% ओनली बैटरी रन होती है। टेम्परेचर जरूर 843 के आसपास पहुँच गया है बट ये अंडर कंट्रोल ही है, 45 के अबव नहीं गया है। थोड़ा सा यहाँ पर हीटअप फील होता है, टेम्परेचर भी रूम का थोड़ा ज़्यादा है, इस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है बट ओवरऑल गेमिंग आपको काफ़ी डिसेंट मिलती है। अब यहाँ पे
अगेन से जितना भी समय बचा हुआ है हाफ आवर तक हम यहाँ पे एरेंगल गेमिंग करेंगे। जरूर आप देख सकते हो लॉबी में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। इवन जब हम यहाँ पे डाइम करते हैं तभी यहाँ पे FPS आप देख सकते हो 30, 40, 38 के आसपास होते हैं। अच्छी बात यह है कि दोस्तों 38 से नीचे FPS यहाँ पे देखने को नहीं मिले, काफ़ी बढ़िया तरीके के यहाँ पे FPS को मेंटेन किया हुआ है। इवन जायरो भी आप देख सकते हो 15 मिनट से ज़्यादा की गेमिंग हो चुकी है, अभी भी काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी यहाँ पे इश्यूज अभी तक फेस नहीं हुए हैं। परफॉर्मेंस एज इट इज़ पहले जैसा ही है जब स्टार्टिंग में था, कोई भी डिग्रेड यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे 20 मिनट के अबव गेमिंग हो चुकी है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं गई है। इस प्राइस सेगमेंट में अंडर 15 के ये काफ़ी बेस्ट गेमिंग डिवाइस है। इस तरह के हाई एंड गेम आप आसानी से खेल सकते हो। 25 मिनट के आसपास पहुंच गए हैं। FPS आप देख सकते हो मीटर में आप ऊपर को देखने को मिल रहा होगा 40-39 के आसपास ही यहाँ पे मिलता है। इवन दोस्तों हम यहाँ पे अभी रिकॉल पे हैं और इस बंदे ने मुझे यहाँ पे रिकॉल कर लिया है। मोबाइल में 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, इसका चार्जिंग टेस्ट भी किया हुआ है। 74 मिनट के आसपास ही मोबाइल फुली चार्ज हो जाता है। अगेन से यहाँ पे आपको जायरो और FPS देख सकते हो मीटर, यहाँ पे 40 FPS के आसपास इतनी गेमिंग होने के बाद भी काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस यार देखने को मिलता है। FPS अगेन से मैं बोलूँ 38 के नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं, इस वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होता है। लास्टली अगेन से आपको दिखा दूँ 38-39 के आसपास यहाँ पे FPS आपको देखने को मिलता है, फ्रेम रेट नहीं गिरते हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट मिलता है। 30 मिनट हमारे हो चुके हैं एंड हमने स्टार्ट किया था 80 पे और 72 पे आके लटक गए। 8% बैटरी रेन होती है ओनली 8%, और टेम्परेचर आप देख सकते हो 43 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो पहले था 43 वो अभी भी 43 मेंटेन किया हुआ है। और हीट अप हल्का सा फील हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ पे जो है सीज़न जो है समर का आ चुका है, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हीट अप देखने को मिल सकता है। अदरवाइज परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पे डिग्रेड नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस काफ़ी टॉप नॉच मिलता है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको अल्ट्रा बेजललेस डिस्प्ले वाला मोबाइल मिलता है, गेमिंग के लिए काफ़ी बढ़िया मोबाइल है। फ्लैट डिस्प्ले है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, 240Hz का यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, और गेमिंग के लिए इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट 2160Hz के आसपास चला जाता है। तो गेमिंग आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है इस प्राइस सेगमेंट में। अंडर 15 के आपको 8GB 128GB वाला वेरियंट मिलता है और वो भी AMOLED डिस्प्ले। तो भाई इस प्राइस सेगमेंट में कोई गेमिंग मोबाइल अगर आप तलाश कर रहे हो तो डेफिनेटली रिकमेंडेबल मोबाइल है। और यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छी चार्जिंग, अच्छी बैटरी, अच्छा डिस्प्ले के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है और कोई शक भी नहीं होना चाहिए। वैसे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसका फुल रिव्यू वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।